मैं आप सब मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, हमारे जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी ने एक संकल्प ले रखा है कि जब भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी मुलाजिम को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उसके बहबूदी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहें और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था वो हमारी अभी हाल ही में मास्टर ग्रेड की एक ट्रांसफ़र लिस्ट निकली ATD के तहत, उसमें बहुत सारी धांधली हैं, बहुत सारे ऐसे त्रुटियां हैं जिनको लेकर आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था। हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़रें होना चाहिए, ट्रांसफ़र एक अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र में जो मापदंड हैं वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसके साथ ही जो ट्रांसफ़र हुई है, हमारे बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, उनको घर में लाने के बजाय 40 से 50 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसको लेकर भी आज का हमारा प्रोटेस्ट था। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो आज से 10-8 साल पहले से फार फ्लांग एरियाज में नौकरी कर रहे हैं, उनको पास लाने के बजाय उनको वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया गया। हालांकि उन लोगों ने भी अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। इसके साथ ही एक और हमारी उसमें त्रुटि है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स जो है जिनका रसूख अच्छा है, उनको शहर से उठाकर शहर में ही लगा दिया गया, जबकि हमारे जो पिछले 8-10 साल से फार फ्लंग एरियाज में लोग जो काम कर रहे हैं उनको कभी मौका नहीं मिला कि वो भी शहर में आकर के नौकरी करें। और साथ भी हमारे एक और दूसरा इशू था कि हमारी जो पावर्स जितनी जो हैं उन सभी पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, सभी पावर्स जो हैं वो सेक्रेटरीट के अंदर ले ली गई हैं, जबकि हमारे CEOs जो हैं उनको पावर्स नहीं दी गई हैं, हमारे डायरेक्टर्स को पावर नहीं दी गई हैं, जबकि वो अच्छा काम कर सकते थे, उनको अपनी टोपोग्राफी का अच्छा नॉलेज था। तो इसके बजाय हमारे टीचर्स की एक जो ट्रांसफ़र है वो पिछले साल भी हमारी ATD के तहत नहीं हुई थी, इस साल भी अभी तक टीचर्स की ट्रांसफ़र नहीं हुई है। अगर पिछले 6 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुई है, अगर यही पावर्स CEOs को दी गई होती तो आज तक ये टीचर्स की ट्रांसफ़र लिस्ट जो है वो भी निकल गई होती। हमारी हेडमास्टर्स की लिस्ट जो है वो पिछले 2 साल से लिस्ट आ रही है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर वो लिस्ट 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए ठंडे बस्ते में चली जाती है, वो बाहर नहीं आती है। तो हम चाहते हैं कि जब ये पावर्स अगर डिसेंट्रलाइज्ड कर दी गई होती तो ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी। आज दिन तक वो हेडमास्टर की लिस्ट भी निकल जानी थी, हमारा